ओम शांति आज 17 जुलाई 2022 है और आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने हमें मैंपन की मैल मिटाने के लिए कहा है आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें प्योरिटी की पर्सनालिटी रॉयल्टी बताई है सत्यता कैसे आधार है पवित्रता का ये बाबा ने हमें समझाया है तो ऐसे ही कंप्लीट प्योर अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले और अपनी मैंपन को मिटाकर बाप समान बनाने वाले बाबा के अव्यक्त इशारे सुनते हैं ब्रह्माचारी वह है जिसके हर कर्म से ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें बोल ब्रह्मा बाप के बोल समान हो उठना बैठना देखना चलना सब समान हो ब्रह्मा बाप ने जो अपना संस्कार बनाया और शरीर के अंत में भी याद दिलाया निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी यही ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार हो तब कहेंगे ब्रह्माचारी स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता हो मेरा स्वभाव नहीं लेकिन जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव आज जैसे बाबा ने हमें मैंपन की खोट को मिटाने के लिए कहा है तो इसी प्रकार से बाबा के अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने आज एक शब्द यूज़ किया कि नवीनता नवीनता ये कि ये मेरा है ऐसा नहीं लेकिन जो कुछ भी है वो बाप समान हो जिस चीज़ का भक्ति में भी हम सुनते आए कि जहाँ देखूँ तू ही तू हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने चाल चलन से चेहरे से अपने संस्कारों से अपने स्वभाव से अपने कर्म से आज बाबा ने कहा उठना बैठना हर चीज़ से ब्रह्मा बाबा की याद दिलाए क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को हंड्रेड परसेंट फॉलो किया तो जैसा शिव बाबा ने बनाने का बनने का लक्ष्य हमें दिया है वो लक्ष्य पूरा पूरा ब्रह्मा बाबा ने धारण किया और अगर हम सब उसको पूरा पूरा फॉलो करते हैं तो हम ना केवल स्वयं उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे लेकिन हर एक से अन्य आत्माओं को उस लक्ष्य का साक्षात्कार होता है अर्थात हमारी सेवा कितनी सहज हो जाती है जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा कि समझना चाहना करना ये सब कुछ समान होना चाहिए तो ये सब समान तभी होगा जब ये सब कुछ हम बाप समान करेंगे क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है तो हर चीज़ में समानता सहज आ जाएगी यही यूनिटी यही हमें निर्विकारी बनाएगी क्योंकि विकार अर्थात आत्मा के जो मूल संस्कार हैं जो उसका मूल नेचर है उससे हट जाना अर्थात उसमें द्वैतता आ जाना जो होना चाहिए उसके उससे अलग कुछ भी अगर है तो वो कहीं ना कहीं विकार का अंश है तो जब हम सब ब्रह्मा बाप को फॉलो करके संपूर्ण निर्विकारी बनने का संकल्प लेंगे तभी हम सब एक हो सकते हैं एक मत हो सकते हैं और एक राज्य की स्थापना कर सकते हैं ओम शांति